वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो जैसा दोस्तों हमें खबर मिली थी और वो खबर पूरी की पूरी जो थी सही थी, तो WRD डिपार्टमेंट की जो लिस्ट है वो अपलोड की जा चुकी है, आप उनकी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिस्ट है मेरे सामने, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ किस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन इनका मांगा गया। हालांकि इनको बहुत कम समय दिया गया है और बहुत ही जल्दी इनकी लिस्ट आ चुकी है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन की। जैसे कि आप देख सकते हैं 13 से 17 मार्च के बीच में इनको बुलाया गया है सुबह 11 बजे से जल संसाधन विभाग तुलसी नगर भोपाल में, ठीक है। वहां पर देख लीजिए आप, इनको बुलाया गया है जो उनका रोल नंबर है या सीरीज़ वाइज। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इतने इतने से कैंडिडेट को, मतलब एक से लेकर 200 कैंडिडेट को एक दिन के लिए बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं 13 से जो 15 है सिविल के लिए है, वही विद्युत यांत्रिक और संविदा वाले जो हैं उनको 16 तारीख को बुलाया गया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप 16 से 17 तक ये चल सकता है। और इसमें क्या क्या मांगा गया है तो मैं बता देता हूँ। शैक्षणिक योग्यता, जो भी आपके डिग्री है, पूरे सेमेस्टर मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट और पासपोर्ट फोटो, और इसके अलावा संलग्न प्रपत्र में आपको जो सपट नोटि, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है पिछले वीडियोस में कि किस प्रकार के शपथ पत्र लगता है, ठीक है। मेडिकल बोर्ड का जो प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट है WRD ने पहले ही मांगा है, जो कि वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा किस प्रकार से होता है। आधार कार्ड चाहिए, और जो अभ्यर्थी संविदा से सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए क्या चाहिए, जो नियुक्ति एवं प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है, और जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। और ये सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तभी आपकी यह नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। साथ ही चरित्र सत्यापन प्रपत्र संलग्न है, जिसे आपको भरकर संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करना, यानी उसी टाइम। तो नीचे सभी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, 84 नंबर की जो है पूरी PDF है, इसमें आप अपने रोल नंबर देख लीजिए कब आपको बुलाया गया है, ठीक है। नीचे की ओर चलते हैं हम, जो मेन पॉइंट्स दिए गए होंगे इसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, ये शपथ पत्र का एक फॉर्मेट है। इस प्रकार के शपथ पत्र को आप 100 रुपये के स्टाम्प पर आपको बनवाना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। तो ये पूरी लिस्ट है, यहाँ पर आप जैसे ही 78 पेज नंबर पर पहुँचेंगे तो ये अनुप्रमाण फॉर्म है, जिसे आप चरित्र सत्यापन फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो लिया गया। पूरा आपको ये फिलअप करना है एक कॉपी में, ठीक है, ये आपको ले जाना है। मैं कहूँगा आप दो कॉपी में रखिए और इसकी एक फ़ोटो कॉपी करा कर अपने पास रखिए एज ए सेफ्टी, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए आपको किस किस के साइन कराने हैं। तो यहाँ पर आपके राजपत्रित अधिकारी के साइन कराने रहेंगे इस पेज पर, ठीक है। पुराना फॉर्मेट फॉलो हो रहा है अभी तक, मतलब PSC ने तो ये हटा दिया है लेकिन विभाग अभी तक यही चला रहा है, ठीक। अब ये शपथ पत्र है ये आपको लगाना है। तो ये थी पूरी जानकारी क्या क्या मांगा गया। बस आपको देखिए, अभी तो 13 तारीख से 17 तारीख का आपके पास समय है, आप मेडिकल जो है सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। मैंने पहले भी अपलोड कर दिया था, हमारे अंशुल सर जी जिनका नाम भी इसी लिस्ट में है उन्होंने पहले ही बता दिया था मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड। और यदि नहीं भी होता है मेडिकल सर्टिफिकेट तो भी आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस विषय में, तो आपको कंसीडर कर लिया जाए। तो ये थी पूरी जानकारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। आई होप और भी डिपार्टमेंट की जो जानकारी शीघ्र हमें प्राप्त होगी तो हम आपको बता देंगे। धन्यवाद दोस्तों, चैनल से जुड़े रहिए। शुक्रिया।